Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Fever FM. मैं हूं आपके साथ अनुराग पांडे और इसमें मेरे साथ में मौजूद हैं मिस्टर पाठक हाउ आर यू अरे वेरी गुड पांडे साहब मैं बहुत सही हूं अर्जुन पाठक सेइंग हाय हाय मतलब कार्तिक आर्यन जी सर जब पाठक बने पाठक साहब बने जी पाठक जी बने जी तो क्या क्या डिफरेंस आ गया आपके जीवन में उस फिल्म के बाद शूटिंग के बाद क्या-क्या दिमाग में आया कि यार ये चेंज हो गया कार्तिक तो एक्चुअली काफी कुछ मतलब सीखने को मिला और उसकी वजह से ये बड़ा ऐसा एहसास एसा होने लगा कि ये वाला ए, ये वाली जो सोच थी वो कहाँ चली गई थी वो कहाँ थी कई बार एक एक पता नहीं सबकॉन्शियसली होता है कैसे होता है एक लाइफ में शायद से ऐसा पड़ाव आता है कोई या लाइफ में ऐसे मोमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से आपके अंदर एक मेच्योरिटी सी आ जाती है आई hmm. थिंक ये धमाका ने वो मेरे साथ काफी किया कि इसकी इसकी शूटिंग शूटिंग से लेके, इसकी प्रेप से लेकर लेकर प्रेप तक और उसके बाद और अभी जब मैं बातें कर रहा हूँ तो मुझे खुद में एक अलग सा एक डिफरेंस सा दिख रहा है कि आई डोंट नो कैसे एक्सप्लेन करूँ वर्ड्स में बट हाँ वो एक ठहराव सा आ, जा, आ सा जाता है रहता है सोचने का नजरिया चेंज ना? ना? तो किन किन चीजों में सोचने का नजरिया चेंज हो गया है हंड्रेड परसेंट कारिस्पॉन्डेंस को लेकर टीवी को लेकर न्यूज चैनल को लेकर सर एकदम इससे ज्यादा लार्ज़र पिक्चर है कि ये जो जैसे फिल्म में भी जैसे दिखाया जा रहा है धमाका के अंदर भी कि ये भागदौड़ भरी जिंदगी में जितना हम भाग रहे हैं किस चीज के पीछे भाग रहे हैं वो मिलने के बाद भी हम क्या खोते हैं क्या पाते हैं वो वो जो एक थॉट है जो प्रोव बहुत थॉट प्रोवोकिंग सेंटेंस भी है क्या खोया क्या पाया सो आई थिंक वो जो चीज़ है वो दिमाग में मेरे बहुत अब आने लगा है कि हाँ ठीक है यार लेट गो करो ये चीज़ इतना भी कुछ वो नहीं है थोड़ा सा पीसफुल हो जाओ थोड़ा सा कामिंग हो जाओ थोड़ा सा फॉरगिविंग हो जाओ थोड़े से तो ये सारी चीज़ें काफ़ी आई हैं इसके साथ देखा जाए तो इस फिल्म में आप लोगों ने अगर फिल्म देखेंगे आप लोग तो समझ में आएगी कि बहुत सारे लोग देख चुके हैं रिएक्शन आ रहे हैं देखिए सब <laughs> नोट्स में पढ़ रहा हूँ इसमें लोगों ने क्या क्या मैसेजेस भेजे हैं फिल्म आज रिलीज हो चुकी है एंड बहुत सारे जो क्वेश्चन आ रहे हैं पूछूंगा आपसे जी सर तो <laughs> बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है इन्होंने की आपने अपनी जिंदगी में किसको माफ़ नहीं किया है इस फिल्म में एक कहीं हद तक आपके रिलेशनशिप को माफ़ी की बात करता है जी तो आपने किस किस को माफ़ नहीं किया है जो आज यहाँ कन्फ्यूज़ करना चाहते हैं बोलना चाहते हैं कि मैं माफ़ करता हूँ मैंने एक्चुअली ये जो लॉकडाउन जब था मैंने कई लोगों को जिनके साथ शायद से मुझे लगा कि काफ़ी टाइम से मैंने बात नहीं की थी या काफ़ी टाइम से माफ़ी से ज़्यादा मेरे अंदर एक बहुत बड़ा एक क्या बोलते हैं सॉरी नहीं लेकिन एक 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 गिल्ट था कि मैं किसी से इतना टच में नहीं रहा चाहे वो मेरे फ्रेंड्स हो चाहे वो मेरी फैमिली भी क्यों ना हो वो तो लॉकडाउन में मेरे साथ हो गए थे तो मैं खुश था जबकि तुम्हारा नेचर एकदम उल्टा है ग्वालियर के आदमी हो <laughs> मैं ये सर ये वो ये भाग दौड़ एक काम के चलते आप टच में नहीं रह पाते हो और वो लॉकडाउन के टाइम मैंने बहुत सीखा कि यार ये मैं मिस कर रहा था लाइफ में और वो चीज हुई तो मैंने उस टाइम बहुत लोगों को बहुत दोस्तों को सॉरी बोला कि मेरी गलती है कि मैं मैं टच में नहीं रहा और तुम लोग को लगा कि मैं एक्टर बन गया हूँ या कुछ इस फील्ड में आ गया हूँ तो फोन करने में कई बार हिचकिचाह भी हैं जो असली दोस्त होते हैं वो एक्चुअली में ये सब सोचते हैं तो मैं अपने आगे से बढ़कर उन सबको फोन किया और सबसे अब बिल्कुल टच में हूँ सबके क्या बात है वाज़ एक रिएक्शन ऐसा था जो बड़ा वीरट था लगा तो सोचा भी नहीं था यार ये क्या बोल रहा है मेरा दोस्त क्या था वो रिएक्शन मतलब एक काफ़ी थे एक एक मेरा दोस्त है कॉलेज का वो वो इस बात से खुश था आ, क्या होता है कि यहाँ पे जब आपको आई थिंक शायद से सक्सेस मिलती है या कुछ चीज़ें आपकी जो चीज़ें होने लगती हैं विद टाइम आप रियलाइज नहीं करते हो कि आप किस पोजीशन पे आ गए हो लाइफ में शायद से एंड जब आप अपने दोस्तों से भी बात करते हो तो वो आपको रियलाइज़ भी करवाते कि छोटी सी चीज़ है जैसे मैंने कार खरीदी थी तो उसने उस बात को

बात। यह बहुत बड़ी बात है ये बहुत, बहुत ही बड़ी बात है कि आपकी जिंदगी में आप अचीव करते हो आपको लगता है, आ, वो बाहर से उसका क्या हो रहा है? मुझे याद है कार खरीदी थी बड़ी सी रेड कलर की कार है तो मैं जा रहा था कहीं पे तो बम्पर आते है ना तो मस्ती में म्यूजिक सुनते जा रहा था दो बार टकरा गया नीचे आया बाइक में ठाक 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 सर ये गाड़ी आपकी है ना मैंने कहा हाँ मेरी है सुनो आप हाँ मेरी है सर ये बहुत प्यारी गाड़ी है सर लोगों लो की ड्रीम होती है और लिटरली मैं उससे माफी मांग रहा हूँ भाई मुझसे गलती हो गई तो नहीं पहली बार ऐसा हुआ, हुआ कि गाड़ी का ओनर उससे माफी मांग रहा है कि मेरी गाड़ी को मैं नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा सॉरी सो, यही हुआ लिटरली हुआ और मैं वो किस्सा नहीं भूल सकता हूँ तो मैं तो मेरी लाल परी को जब भी ले जाता हूँ तो एकदम लाल तो परी आ, उसका नाम ही रख रखा है मैंने तो जब भी ले जाता हूँ तो एकदम प्यार से तो वो आदमी का हेलमेट उतारना याद आ जाता है मुझे ठाक ठाक इतने गुस्से में देख रहा था मुझे वो <laughs> मैंने कहा नहीं भैया इसको तो गाड़ी अच्छी चलानी पड़ेगी बहुत अच्छी बात बोली आ रहे हैं तो ये जिस तरह से आपने रिलेशनशिप में हम अगर बात करें जी अधिकतर ऐसा होता है ना चाहे वो फ्रेंड्स हो रिलेशनशिप में हो कि सॉरी नहीं बोल पाते हैं यार बिल्कुल चाहे उसको ईगो बोल लो चाहे कुछ भी बोल लो क्या करना चाहिए उसको वो तोड़ना है यार सॉरी बोलने का है अभी हजारों लाखों लोग सुन रहे हैं इसमें देख रहे हैं uh, मेरे हिसाब से यू शुड जस्ट गो फॉर इट ये इसमें जितना सोचते हैं उतने नेगेटिव पॉइंट्स ही दिमाग में आते हैं एक बार दिमाग में अगर ये आ गया कि मेरी गलती है आ, बात खत्म पे अगर आपको ये लग रहा है कि आप गलत हो आप तुरंत फोन उठाओ आप मेलो आप सॉरी बोल दो और इनफैक्ट वो अप्रिशिएट होती है वो बात सामने वाला इंसान आपके सामने कुछ बोल देगा लेकिन पीछे दो बार सोचेगा जरूर कि अगर वर्स्ट केस भी हुआ तो पीछे दो बार सोचेगा यार लेकिन बोला तो सॉरी ना बात है एंड में तो सॉरी बोला ना एंड में तो तो वो सब ठीक हो जाता है उससे। धमाका फिल्म में आपकी बॉस बहुत खतरनाक। तो सुभाष करोड़ों लोग सुनना देखना चाहते है। कैसे करने का यार? उसमें तो तुमने नहीं मानी बात उसकी <laughs> <laughs> करेक्ट, करे, मैं वही बोलने वाला था फिल्म में तो नहीं मानता उसकी बात लेकिन पर्सनल लाइफ में कैसे डील करना चाहिए बॉसेस को आई थिंक सामने तो बात मान लेनी चाहिए पीछे थोड़ा थोड़ा अपना कर सकते हो थोड़ा थोड़ा सा बहुत खतरनाक एम्प्लॉय होता है अगर कहीं पे होता है ये <laughs> <अक्टर> <laughs> अगर एक्टर नहीं होता तो एम्प्लॉय बड़ा खतरनाक होता ओके <laughs> okay, तो कैसे हैंडल किया जाए यार ऐसी अमृता जैसी बॉसेस को एक क्या बोलते हैं मतलब एक तेज धार तलवार के लिए आपको भी तेज धार तलवार बनना पड़ता है तो वो ऐसा नहीं हो सकता कि आप पूरी तरह से चीजें छोड़ दो

वो ऑप्शन भी आप दिखा दो लेकिन बाद में वो ऑप्शन जाने मत दो उनके सामने उनका अगर कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों का ईगो भी होता है एक पोजिशन में होते हैं और ईगो होता है उस बात का तो वो चीज़ को हैंडल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सामने वाले को ये ना लगे कि आप उसकी इज्जत नहीं कर रहे हो उनकी इज्जत जरूर कीजिए और अगर आपके ऑप्शन को उन्होंने मना किया तो वो ऑप्शन जाने मत दो कर लो दिखा दो दोनों ऑप्शन रख दो क्या पता वही वाला फिर कर ले

तो उनको ये नहीं दिखता यार ये मस्ती के लिए कर रहा है या ये कर रहा है नहीं ये काम के लिए कर रहा है नहीं ये करो ना ये करो ना ये करो ना ये प्लीज ये, ये सही लग रहा है ये इस में... फिल्म में <laughs> इस फिल्म फिल्म में में तूने करवाया ऐसा एक्चुअली राम सर बहुत ज्यादा वैसे बॉस है जिन्होंने सब कुछ इतने अच्छे से ऑलरेडी कर दिया था कि मुझे ऐसा कहीं पे लगा नहीं कि मैं सर ये कर लूँ तो मेरे को थोड़े बहुत इम्प्रोवाइजेशन में होता था बट वो भी वो अलाउ करते थे तो वो रोकते नहीं है कहीं पे क्योंकि ये पूरा थिएटर की तरह चला है ये शूट इसकी एक इंटरेस्टिंग बात बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि हमारे पंद्रह बीस मिनट के टेक्स होते थे और आ, कभी भी कट कोई नहीं बोल आ, कट नहीं होता था वहाँ का चैप्टर्स में डिवाइडेड है फिल्म तो नौ चैप्टर्स में ऐसे डिवाइडेड है तो एक चैप्टर अगर पंद्रह पेज का तो वो पूरा पंद्रह पेज पहले कंप्लीट हो रहा है wow. तो वो शूटिंग चलता था उसमें इम्प्रोवाइजेशन होने ही थे तो इम्प्रोवाइजेशन होते थे लाइन्स आपको मेन था कि वो याद रहे लाइंस और उनके साथ आप जितने इंप्रोवाइजेशन कर सकते हो आप करो आपको जो मोवमेंट्स रखना है आपको जैसे बात करना है लेकिन एक टोनैलिटी विद द कैरेक्टर इन सिंक विद द कैरेक्टर रखो तो वो एक था तो ये मेरे जो बॉस थे वो बहुत अच्छे बॉस हैं और उनके साथ मुझे इतनी जद्दोजहद ज़्द नहीं करनी पड़ी इस फिल्म में कॉन्ट्रोवर्सी दिखाते हैं कि आपके जो बॉस होते हैं हाँ वो आपकी कुछ ऐसी चीज़ें अपोजिशन को बता देते हैं करेक्ट और आप फंस जाते हैं करेक्ट और आपको लपेट लिया जाता है जी पर्सनल जिंदगी में ट्रोल बहुत होता है यार करेक्ट कैसे हैंडल करते हो और सबसे फनी ट्रोल बताओ जो तुमने तुम पढ़ के हंस दिए हो ट्रोलर्स uh, uh, होते हैं आई थिंक कई बार मैं, मैं, मैं मेरे इंस्टाग्राम में मैं काफ़ी जो भी चीज़ें डालता हूँ तो मैक्सिमम टाइम फ़नी कैप्शन होते हैं और फ़नी फ़ोटोज़ होती हैं कुछ uh, अगर कोई सॉलिड फ़ोटो भी होती है तो उसका कैप्शन बहुत फ़नी सा होता है कुछ क्या दिखा तो जैसे पता नहीं वैलेंटाइंस डे पे मैंने एक डाला था एक फोटो एक मैं ऐसे लेटा हुआ हूँ और ऐसे सोफे पे बैठा हूँ और मेरे बाजू में एक स्केलेटन है और उसके साथ मैंने ऐसे डाला था दिस इज माय वैलेंटाइंस डेट तो तो उस पर रिएक्शन वगैरह बहुत क्या तोड़ू रिएक्शन आया कि अभी ऐसे रोल करेगा तो ऐसी डेट मिलेगी ना प्यार <laughs> का पंच नामा सोनो जैसी फिल्म <laughs> तो वो वैसे रिएक्शन थे क्या बात है अभी ऐसे झंझट में फंसे हो जैसे जो फिल्म के झंझट में फंसे थे मतलब क्या स्क्रिप्ट बनाई आप लोगों ने यार मतलब जितनी तारीफ करूं धमाका की पूरी टीम को जितने लोग देख रहे हैं बता दूं कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर राइटर कमाल है माइंड ब्लोइंग थैंक यू थैंक यू तो मतलब कभी कैसे कैप्चर किया आपको पूरी फिल्म के दौरान सर ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग वे ऑफ शूटिंग है मैंने ऐसे कभी शूट नहीं किया फिल्म ये बहुत यूनिक है आई डोंट थिंक सो ये बाहर भी इस तरीके से शूट होता है जिस तरीके से ये सिर्फ राम माधवानी सर ही ऐसे डायरेक्ट करते हैं uh, उनके पास आठ से दस कैमरा होते हैं जो ऑन एट वंस रोल हो रहे होते हैं एक्टर्स uh, को पता नहीं होता है कई बार कि कहाँ पे कौन सा कैमरा उनको रोल भी कर रहा है आप अपनी पोजिशन पर जाके बैठते हैं या खड़े होते हैं जो भी पोजिशन है आपकी जो भी चैप्टर आप कर रहे हैं उस चैप्टर के अनुसार आप अगर वहाँ पे बैठे हुए हैं ही विल नॉट से लाइन मे बी और uh, सुर क्या है पिक्चर का इस, इस पर्टिकुलर चैप्टर का वो रहेगा उसका थोड़ा सा एक दो चीजें बातचीत होगी और वो बस बोलेंगे रेडी वेन्यू आर एक्शन नहीं बोलेंगे अच्छा और वो चले जाएंगे वहां से और वो अपने मोनिटर उनके अलग सा एक विलेज एक कैफे बना हुआ जिसमें आठ मोनिटर्स लगे अलग अलग और वो मोनिटर्स को चेक करेंगे

तो या कोई लाइटिंग का कुछ वहाँ पे नहीं है प्रीलेट होता है सब तो जैसे हम यहाँ पे आए ये प्रीलेट है ऐसे ही सेटअप में आप आके बैठते हो और आप एक्टिंग चालू करते हो रियल सेंस में हम जैसे बातें कर रहे हैं है तो है है। है? हाँ। मतलब क्या क्या, चाहते है क्या हो ही हो बाल इतने अच्छे है सब कैप्चर करना चाहता है ये लड़का अनुराग पांडे नहीं होंगे कैप्चर <laughs> वो एक ही है वो यूनिक है <laughs> तो इसमें आप रेडियो जॉकी हैं जी सर और आप इंट्रोड्यूस कीजिए हाय मैं हूं कार्तिक और इंटरव्यू लेना है मेरा सर आपको एक रेडियो जॉकी का क्या अच्छा। क्वेश्चन पूछेंगे अच्छा। तीन क्वेश्चन क्या होंगे आपके नमस्ते मैं हूं कार्तिक आर्यन जो भी कहूँगा सच कहूँगा आप मुझे सुन रहे हैं फीवर एक पर मैं अभी बैठा हूँ अनुराग पांडे जी के साथ जिन्होंने बहुत ही खूनखार तरीके से आज तक आर्जिंग की है इनसे कुछ सवाल पूछूंगा आ, अनुराग जी आप क्या पी रहे हैं इस समय ब्लैक कॉफी है जो कार्तिक आर्यन है उनकी एक स्पेशल है जो तरकी से हैं कॉफी है और उसमें नींबू भी डाला था उसमें नींबू डाला थोड़ा सा नमक भी है नमक भी है वो तो होना ही चाहिए <laughs> क्या बात है दूसरा क्वेश्चन <laughs> पांडे जी आज आ, आप नहा के आए या नहीं जी बिल्कुल नहा के आए वो दो बार नहाना पड़ गया दो बार क्यों क्योंकि यहाँ शेविंग अच्छे से नहीं हो पाई थी तो तो उसको दो पूरा नहा लिया ओके आज आपका इस इंटरव्यू के बाद कहाँ किसका इंटरव्यू इस इंटरव्यू देने ये इंटरव्यू देने के बाद आप किसका इंटरव्यू लेने जा रहे हैं मैं इंटरव्यू लेने <laughs> जाऊंगा कार्तिक आर्यन का ही जाके उसको एडिट करूंगा पूरा देखूंगा सुनूंगा क्योंकि आज का इंटरव्यू बहुत माइंड ब्लोइंग है कमाल है अरे कार्तिक जैसा लड़का है ना हुआ है ना कभी होगा अरे थैंक यू सो मच सर और भी सवाल पूछूं बिल्कुल यार पूछ लो मर्जी आज आप आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि कौन ऐसे होनहार एक्टर्स हैं आज की जनरेशन में जो आपके हिसाब से लगता है कि बहुत आगे जाएंगे सुपर स्टार तक एक तो मुझे लगता है कि स्टार भी है सुपर स्टार भी है मेगा स्टार भी है रणबीर कपूर लेकिन जितना उसको होना चाहिए वो हिंदुस्तान में उसको अप्रिशिएशन मिला नहीं है क्योंकि उसकी कुछ फिल्में फ्रॉप हो जाती हैं ओके बट उस जैसा कलाकार ना हुआ है हो ना होगा करेक्ट सेकेंड है कार्तिक आर्यन नाम का लड़का है <laughs> हो गए हैं दस साल लेकिन उसको वो अप्रेशिएशन मिला नहीं जिस लेवल का टैलेंट है उसमें अच्छा डांस बहुत अच्छा करता है कभी आप मैं फिल्म दिखाऊंगा आपको उसकी जी मोनोलॉग बहुत अच्छा बोलता है वो अच्छा और हीरोइन के साथ उफ क्या रोमांस करता है अच्छा रोमांटिक भी है रोमांटिक भी बहुत अच्छा है और इसके स्टाइल बहुत नेचुरल है और सबसे बात तो ये है और एकदम जमीन से उठ के आया है इंसान वो बहुत पोटेंशियल है मतलब काफी पोटेंशियल बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये दो एक्टर्स धमाका तो एक्टर। आप, मतलब। तो बहुत, बहुत एक आप जरूर देखिए नेटफ्लिक्स में अच्छा। कमाल काम किया है उन्नीस नवम्बर को आ रही है आ चुकी है सर आ चुकी है अच्छा वेरी गुड जी जी आ चुकी है एंड आप प्लीज जितने लोग हैं जरूर जाइए देखिए कमाल की एक्टिंग की उसने अरे यार एक रूम की कहानी है पूरी वो अच्छा हाँ एक रूम में पूरा थ्रिलर जो की है सेटअप पूरा वही है आरजे का हाँ। और उसमें क्या होता है उसकी जिंदगी में

<laughs> सुपर्ण, सुपर्ण सर <laughs> बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके आज एंड ये कंटिन्यू करेंगे आ, अगले पार्ट में हमारा ये इंटरव्यू मैं हूं कार्तिक आर्यन सच कहूंगा क्या बात है जी हाँ कार्तिक जो भी कहूंगा सच कहूंगा <laughs> सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा ये तो हम लोगों ने संविधान में भी सीखा है जी तो अब मैं जो पूछने जा रहा हूँ हाँ वो सच के सिवाय आप कुछ नहीं बोलेंगे जी रेडी तैयार हैं जी ओके शादी किस उम्र में करोगे शादी में करूँगा पैतीस लड़की पसंद कर ली है नहीं और पूछूंगा नहीं कौन है नहीं, पसंद नहीं। की नहीं पसंद, पसंद ही नहीं।, नहीं।, नहीं की ओहो क्या बात है, हाँ। है? मम्मी पापा को क्या बोलना चाहते हो इस समय क्या दिमाग में चल रहा है, है।, है। <laughs> कार्तिक आर्यन कभी जब अकेले बैठता है तो अपने से क्या बोलता है छह फिल्म तो साइन हो गई अगली दो फिल्म कौन सी है <laughs> <laughs> कार्तिक आर्यन इस फिल्म में थोड़ा सा रोमांटिक होने के बावजूद भी वो अपनी बीवी को संभाल नहीं पाता है हाँ तो ऐसे लोगों को क्या बोलना चाहोगे जो बेचारे मर्द लोग काम करते हैं धंधा करते हैं लेकिन बीवी को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं संभाल नहीं पा रहे हैं बैलेंस लेके चलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये जितना भी काम है वो चलता रहेगा और आप आगे बढ़ते रहेंगे लेकिन अगर बैलेंस आपने नहीं रखा तो आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो एक बार अगर चली गई तो वापस आने के चांसेस बहुत कम होते हैं अस्सी साल की उम्र में मैं आपसे मिलूंगा जब तो मैं अपने दोस्त को क्या इंट्रोड्यूस करवाऊँ कार्तिक आर्यन और क्या 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 अस्सी साल के जब आप हो जाओगे आप हो जाएंगे मैं अस्सी साल का हो जाऊंगा और अपन गोवा में बैठे हुए हैं ठीक है दोस्त आया है मैं बोलूंगा ये एक्टर थे एक जमाने में या तो हो सकता है आप बोलेंगे क्या अस्सी साल की उम्र में क्या सोचते हैं अपने आप मुझे लगता नहीं आपको इंट्रोडक्शन देने की जरूरत पड़ेगी ओ, नहीं फिर भी बताना तो अच्छा है, फिर बताना भी बताना पड़ेगा अभी क्या क्या अचीवमेंट हो जाएंगे उस समय तक आई थिंक uh, एक एक लेजेंड वर्ल्ड ऐड हो चुका होगा तब तक और नंबर वन स्पॉट पे तब भी रहूंगा क्या बात <laughs> है। जी कंग्रेचुलेशन बधाई हो एंड <laughs> मेरी ओर से धमाका के लिए कार्तिक आर्यन के लिए मैं बधाई देना चाहूंगा थैंक यू सर बहुत Thank बढ़िया you. राम ने बहुत अच्छा काम किया इस पिक्चर में जितने लोगों ने काम किया उन सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई थैंक यू सर थैंक यू सो स्वीट। तो आप लोग ज़रूर देखिए धमाका नेटफ्लिक्स में आ चुकी है पिक्चर मैं तो देख चुका हूँ मजा आ गया